बोल रहे हैं कि फॉर अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एक वो देखो द ऑर्डर एंड द मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू वन. क्या मीनिंग समझ में आया इसका? ये मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें कई स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो जो उसमें से स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है और उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर भी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही होता है. जब एक ही मॉलिक्यूल है, यूनिमॉलिक्यूलर है रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर भी वन होगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो ऑर्डर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इट्स स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है, अगर उसमें स्लोएस्ट स्टेप में दो मॉलिक्यूल होते तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी टू हो जाती है और उसका ऑर्डर भी टू हो जाता. और अगर मान लो स्लोएस्ट स्टेप में तीन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट होते तो वो मॉलिक्यूलरिटी भी तीन हो जाती है और ऑर्डर भी तीन हो जाता. तो ये फैक्ट है बच्चों, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है. अब आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है केमिस्ट्री में? कि जितने मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम रिएक्शन कर रहे होते किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी. और तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि एट अ टाइम कितने मॉलिक्यूल्स कॉलिजन करेंगे आपस में, ठीक है. तो ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता है, ओके. पर एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर बिल्कुल मॉलिक्यूलरिटी के समान होता है, इक्वल होता है. क्यों? क्योंकि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही तो ऑर्डर डिसाइड करता है आपके रिएक्शन का, ओके. तो आप और एग्जांपल ले लो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, जैसे कि ये है आपका सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2. ये 100 डिग्री के ऊपर इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है. तो यूनिमॉलिक्यूलरिटी समझ में आ रही है आपको? एक ही मॉलिक्यूल है इसमें रिएक्टेंट, है ना, और डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट्स में. अब ओजोन है, वो डिकम्पोज हो रही है ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो एक ही मॉलिक्यूल है. रेडियो एक्टिव डीके है, यूरियम अल्फा डीके करके आपको थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट. विश्वास हो रहा है अभी कि एक मॉलिक्यूल भी रिएक्टेंट हो सकता है, है ना? तो ये सब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, ओके. तो ए ऑप्शन का सही है इसमें.